एक मिनट लाइव कर देते हैं ना। हाँ जी ये अपना अर्जुन नंदी है जी, जो लास्ट में 10 साल तक इसके सीमेंट ब्राजील ही गए और अभी इसको 23 साल की उम्र की वजह से ये सर्विस नहीं दे रहा था इतनी जितनी अभी देता है क्या। अभी इसको सारी ट्रीटमेंट जब किया, जब शरीर को खाने की, रुधिराभिसरण प्रक्रिया की और स्पर्म बढ़ाने की, ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद अभी वो बिल्कुल सर्विस दे रहा है। इसी महीने में हमारी 22 गाय को ब्रीड किया इसने और बहुत आसानी से किया है। इसकी लेंथ वगैरह कैसा है? इसकी लेंथ 9 फीट है और हाइट 6 फीट है। और वजन अंदाजा कितना है? वजन इसका जब लाए तब 605 किलो था और यहाँ की हवा पानी इसको पसंद आ गया है तो अभी 760 किलो है। ऐसा क्या देखा आपने कि ये नंदी अपने लिए 2 इंच बढ़ा सकता है? नहीं, ऐसा देखने में तो ये बात है कि उससे बड़ी कोई चीज नहीं, तो इसको हमने आत्मविश्वास से और प्यार से, मतलब माता पिता की तरह इसकी सेवा की। मसाज, नहलाना धोलाना, ऑपरेशन, इसके लिए एक ऐसा औषध पाक बनाया जिसमें शतावरी, फूल, अश्वगंधा, नाग केसर, मुसली, काली मुसली, सफेद मुसली, पुनर्नवा, हल्दी, सौंठ और गोंद, ये सब चीज डाल के उसको खिलाया ताकि उसके स्पर्म और उसकी सेक्स एक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये सब चीजों का परिणाम मिला है और इतना परिणाम मिला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो उद्देश्य क्या था इसका लाने का भी? बस यही उद्देश्य है हमारा कि इसका फायदा यदि ब्राजील वालों ने 10 साल लिया है तो हम भारतवासियों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ कर्म बनता है कि इसके वंश को यहाँ पे बढ़ावा दे। यदि मेरे पास इसके 100 बच्चे हुए तो हम और भी देंगे, सबको बछड़े देंगे, बछड़िया देंगे, भले ही पैसे से देंगे, मुफ्त में नहीं देंगे, लेकिन वो भी एक पार्ट है गोपालन का, पैसा लेना। वो भी फ्यूचर में इसका सीमेन कलेक्शन करके बेचने का कुछ प्लान है? ऐसा अभी सोचा नहीं है, लेकिन इससे भी और ग्रोथ और उसका स्पर्म और सब अच्छी तरह से एक्टिव हो गया तो सोचेंगे और सबको देंगे। रमेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप अभी बता रहे हैं कि ये इसको डेप्यूट घोषित करके छोड़ दिया गया था और आपने इसको 6 महीने ट्रीट किया और इसने दोबारा से 20 गायों को निषेचित कर दिया जी। तो मतलब इसके अंदर भी क्षमता बरकरार थी, उसके बावजूद भी इसको छोड़ दिया गया? नहीं, वो क्षमता तो थी लेकिन समस्या ये थी कि जो ज्ञान होना चाहिए ना ट्रीट करने का, पालन का जो ज्ञान होना चाहिए, ट्रीटमेंट करने का ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान की शायद कमी हो सकती है कि नहीं हो पाया था वो। अच्छा, इसको जो चलने फिरने में इतनी उम्र में तकलीफ पड़ रही है पैरों में, घुटनों में? अभी बहुत कम हो गई है क्योंकि हम उसको पारिजात के काढ़ा देते हैं रोज 10 दिन से, तो पारिजात जो है, हार सिंगार को जो है, वो तो किसी भी जानवर हो या इंसान, जोड़ों के दर्द, हड्डी के दर्द में उसका काढ़ा बहुत लाभदायी है। और ये सब हम भी ओपन कर रहे हैं और आप भी लोग ओपन करें, कोई भी इसके विषय में कोई सीक्रेट ना रखे। तो अभी ज्ञान का बांटना वही हमारा काम है। उम्र इसकी अभी लगभग कितनी होगी? लगभग इसकी उम्र 23 साल है और इसका करीब 300 साल का वंश दर्शन अपने पास है, जिसके पास था उसके पास भी है, हमारे पास भी है। इससे जो पैदा होने वाली बछड़ियों का दूध कैसा है? लगभग 26 के आसपास सबका मिल रहा है, 26-30 तक जाता है कुछ। आज भी इसका काम करने का जो तरीका है तो ये उतना ही जो पहले? हाँ, मैं तो मानता हूँ उनसे ज्यादा है। कोई जवान नंदी भी एक महीने में 20-25 गाय ब्रीड नहीं कर सकता, क्योंकि लगभग देखने में आता इसने है कि एक 24 घंटे में एक दिन 6 गाय को ब्रीड किया था, एक दिन 24 घंटे में 6 गाय को ब्रीड किया था। तो इससे बहुत जुड़ी आपकी अपेक्षा है? मेरी क्या, मेरे पूरे देशवासियों की अपेक्षा है, क्योंकि आज पूरे देश में घूम लो कहीं 9 फीट लंबा नंदी मिलेगा आपको, जिसकी रिकॉर्ड पेडिग्री भी महाराज के पास है, तो ऐसी चीज मिलना बहुत कठिन है। मान लो हमारे पास हमारी कोई, तो ये अनमोल है आपके लिए, जो पूरी गिर गाय नहीं है 80-90% है, इसका बछड़ा अगर हम ले लें और उस गिर गाय से ब्रीड कराए, जरूर तो कैसा परिणाम मिलेगा? जरूर परिणाम, A1+ परिणाम मिलेगा। तो ये अनमोल ही है आपके लिए? हाँ, इसका तो मोल ही नहीं है, ये हमारे देश का कोहिनूर है।
और देशवासियों को कोहिनूर के रूप में इसको मानना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम कोहिनूर देखने को मिल रहा है। जी सही बात। वो आपको डिटेल में हमारी YouTube चैनल में पूरा वीडियो डॉक्यूमेंट्री माप प्रमाण के साथ मिल जाएगा। इसका भी कोई कर रहे हैं? ये उम्र की वजह से फंस गए हैं, फैल गए हैं, लेकिन उसको अभी दो बार कटाई हुआ और दो तीन बार कटाई होने से लगभग 80% ठीक हो जाएगा। अभी 50% ठीक हो गया। तो पुराना जो गोवंश बोलते थे हम गिर का नस्ल का, तो ये ऐसे ही रूप, हाँ ऐसे ही रूप रंग में, इतनी हाइट, इतनी लेंथ, ये सब वैसे ही था। अब ये तो धीरे 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 होते कम होते जा रहा है और अब थोड़ी जागरूकता आई है, लगता है अब सुधार होगा, जरूर होगा सुधार। तो भाई अपन जो कहते थे कि 100% शुद्ध जो गिर होती थी नस्ल, तो ये इतनी आती, हाँ इतनी, इससे भी बढ़िया आती थी, इससे भी बढ़िया ना खो सके ना था खावन। चलो तो सब ये जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसी सबको मेरी विनती है। अच्छा मैंने पहला सांड देखा, ये कई कई जगह मैंने देखा है, तो उसके खोपड़ी पे हाथ घिसते हैं ना जब, तो दुर्गंध जैसी सुगंध आती है, लेकिन इसके पास खड़े रहने से ही वो सुगंध मेरे को आई है। वो मेरा मैंने पहली बार देखा है। ऑयली स्किन है, देखिए ना अभी नहलाया है, तेल आ गया आपने, दिख रहे तेल आ गया ना आपने। ये कौन से तेल?